गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। सॉरी फॉर डिले इन अपडेटिंग द वीडियो। डॉलर इंडेक्स कल जो क्लोज दिया है वो है 104.29, मच बिलो फ्रॉम द हाई डेज है, डेट इज 104.70। तो बेसिकली जो डेटा था तो उसमें क्या था कि आपका पॉजिटिव डेटा आया उसमें, सो थोड़ा बहुत इंफरिंग था, बट सम ऑफ द फेड प्रेसिडेंट्स उन लोगों का जो डॉविश कमेंट था कि जून महीने में पॉज होना चाहिए, देयर आफ्टर लुक फॉर द इकोनॉमिक डेटा एंड देन डिसाइड इन द मंथ ऑफ जुलाई नेक्स्ट फेड मीट की रेट हाइक करना है या नहीं करना है। दैट हैज गिवन अ लिटिल बिट ऑफ मींस सॉफ्टनेस ऑन इंडेक्स पार्ट। सो अभी जो है वो 104.23, एंड दैट बीइंग द केस अभी थोड़ा सा पॉज होना चाहिए, साइडवाइज होना चाहिए। बेसिकली 103.50, 103.80 इज एक्सपेक्टेड टू एज अ सपोर्ट एरिया। इसको अगर और नीचे आना है तो इस लेवल को तोड़ना पड़ेगा, पर इस ऊपर में 105.30 से 105.75 के बीच में एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। डॉलर रुपी आज अच्छा खासा नीचे ओपनिंग दिया है। कल जीबीपी डेटा काफी स्ट्रॉन्ग डेटा आया है, बिकॉज ऑफ विच डॉलर भी करेंटली एट 82.39 चल रहा है करेंटली। मई का लो, उसके लो के नीचे हम एक अच्छा खासा सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे थे, दैट इज योर 82.5 टू। सो बेसिकली 82.50 के नीचे क्या चल रहा है, सेल ऑफ नीचे तो वही हो रहा है। तो अभी इमीडिएट जो सपोर्ट बन सकता है वो है आपका 82.25 से 82.32 के बीच में एक इमीडिएट अच्छा खासा सपोर्ट। सपोर्ट ब्रेक डाउन करता है या नहीं करता है ये देखना पड़ेगा। यहाँ पे एक अच्छी चीज जो डेली पर्सपेक्टिव में है वो है रेंज शिफ्ट एंड आरएसआई। रेंज शिफ्ट ऑन आरएसआई, इसका मतलब क्या है, नाउ आई एम नो मोर बुलिश, दैट मीन द केस थोड़ा सा आइदर साइडवाइज या थोड़ा सा सॉफ्ट होने का हायर प्रोबेबिलिटीज है। तो सच ए केस मैं 82.75 का टुमारो का एक्सपायरी एज वेल एज नेक्स्ट वीक का आने वाला एक्सपायरी, सो उसको कॉल को हम शॉर्ट कर सकते हैं और गेटिंग एंजॉयिंग सम बेनिफिट्स। जीबीपी डॉलर में फ्रॉम द लो अच्छा खासा बाउंस बैक किया है, अभी है 1.2438। तो आरएसआई में भी थोड़ा सा रूम है, करेंटली एट 50.3360 जाने के लिए थोड़ा सा रूम है, बट इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो है सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड, व्हिच इज नथिंग बट द 20 पीरियड मूविंग एवरेज, दैट इज 1.24708 के बीच में। क्या इस नए लेवल के आसपास ये रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे की तरफ आता है या इस रेजिस्टेंस में तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है, दैट वी विल सी। जीबीपी आईएनआर का करेंटली है आपका 102.51, अभी वो सेंटर बैंड में रेजिस्टेंस लेने का प्रयास कर रहा है। सो ये है कि देर आर हायर चांसेस कि ये सेंटर बैंड डेली का जो बोलिंजर बैंड कैसे उसको रेजिस्टेंस लेके दोबारा ये स्विंग लो की तरफ आने का प्रयास कर सकते हैं। 101.80, 101.90 के बीच में आने का एक हायर पॉसिबिलिटीज। सो वन मे प्ले फ्रॉम शॉर्ट साइड ऑन लोअर टाइम फ्रेम में कुछ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देख के, दे कैन प्ले फ्रॉम द शॉर्ट साइड विथ स्ट्रेट स्टॉप। यूरो डॉलर आपका 30 मई को एक अच्छा खासा बाउंस बैक किया था, लेकिन कल वो गेन जो है उसको रिटेन कर नहीं पाया एंड इट फेल ट्रेडेड लो ऑफ 1.0635 एंड क्लोज्ड एट 1.0680, करेंटली एट 1.0690 पे है। यहाँ पे देखने वाला बात कल का जो डेली कैंडल है उसका लोअर विक काफी रिजेक्शंस मींस ऑलमोस्ट नॉट एग्जैक्टली द ऑलमोस्ट लिटिल बिगर देन द बॉडी ऑफ द कैंडल नीचे की तरफ ये प्राइस रिजेक्शंस। दैट मींस यहाँ पे अगर इसको नीचे जाना है तो काफी चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा। सो रदर वी कैन लुक फॉर सम साइडवाइज एंड वॉलेटाइल मूवमेंट इन दिस इंस्ट्रूमेंट। यूरो आईएनआर पे भी कल एक अच्छा खासा सेल अप हुआ है एंड नीचे की तरफ प्राइस रिजेक्शन सिमिलर टाइप ऑफ थिंग्स। अगर इसको नीचे जाना है तो इसके लो के नीचे क्लोज देना पड़ेगा, दैट इज आपका 87.98 के नीचे आवरली बेसिस पे क्लोज देना पड़ेगा, देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट अच्छा खासा एक सेल ऑफ। ऑल्सो डेली
RSI जो है इट टुक रेजिस्टेंस एट 40, सो सुपर बेयरिश एज फार एज यूरो एनर्जी बेयरिश। सो यहाँ पे हम सेल ऑप्टिक्स के लिए अच्छा खासा पोजीशन बिल्डअप कर सकते। अभी है आपका डॉलर येन, डॉलर येन करेंटली 139.45। यहाँ पे इमीडिएट जो सपोर्ट है वो है आपका 138 के आसपास। क्या ये 138 के आसपास आने के बाद सपोर्ट लेता है या यहीं से सपोर्ट लेके बाउंस बैक करता है? यहीं से सपोर्ट लेके बाउंस बैक करने का मेन रीजन क्या है? RSI, RSI अभी है 63.26। क्या ये 60 के आसपास यहीं से सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ जाता है? ये हमें देखना पड़ेगा। येन आपका जो एक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस था वन आपका 59.50, वहीं पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। यहाँ पे आप देखोगे कि रेजिस्टेंस एट 60 40, RSI रेजिस्टेंस एट 40, सो इट इज सुपर बेयरिश। तो किसी को अगर ट्रेड करना है, जितना भी हमने करेंसी पेयर्स डिस्कस किया है वहाँ पे येन आईएनआर एंड यूरो आईएनआर आर द टू करेंसी पेयर्स जहाँ पे हम शॉर्ट साइड में अच्छी तरह से खेल पाएंगे। आप अपना जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उस स्ट्रेटेजी से शॉर्ट का कॉल लेके आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में यूरो आयनर एंड जेपीवाई आयनर में सुपर बेयरिश लग रहा है, दैट बीइंग द केस आप अपने जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज है शॉर्ट टर्म में, जो 5 मिनट में, 10 मिनट में या 15 मिनट में, उसमें आप शॉर्टिंग के लिए ढूंढ सकते हैं। डॉलर कैन बी आपका साइडवेज कंसोलिडेशन जारी है अभी 1.3560, सो इसको यहीं पे रहने देते हैं, एक बार इस रेंज से बाहर होने देते हैं, उसके बाद सोचेंगे इसके बारे में। और आपका ऑसी डॉलर में नीचे की तरफ हम कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, कल के दिन नीचे की तरफ गया भी था लेकिन सस्टेन कर नहीं पाया एंड प्राइस गॉट रिसेट। दैट बीइंग द केस यहाँ पे एक थोड़ा सा डिस्टर्बिंग प्राइस पैटर्न्स बन रहे हैं। डिस्टर्बिंग प्राइस पैटर्न्स मतलब ये जो रेंज ब्रेकआउट है उसके बाद कॉल भी किया है, दो बैक टू बैक कैंडल भी दिया, उसके बाद टाइम पास, इसको अगर नीचे जाना था तो मींस काफी तेजी के साथ नीचे की तरफ चला जाता, लेकिन अभी 4-5 दिनों से ये टाइम पास कर रहा है। तो यहाँ पे हमें अगर फर्दर शॉर्ट के लिए थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए, कुछ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस शॉर्ट खेलना है तो। और एक बार अगर विद इन द रेंज आ जाता है यानी 6570 के ऊपर क्लोज दे देता है, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज अ फॉल्स ब्रेकडाउन ऑन द लोअर साइड। एंड इफ वंस इट इज कंफर्म तो फर्दर ये टुवर्ड्स 6-8 की तरफ काफी रैपिडली जा सकता है। सो यहाँ पे हम दोनों ही ऑप्शन रेडी रख रहे हैं, एक तो शॉर्ट का है लेकिन शॉर्ट के साथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद जनरली कोई भी ब्रेकडाउन होता है तो उसके बाद एक शार्प मूवमेंट होता है। यहाँ पे 2 दिन बैक टू बैक सेल अप हुआ, उसके बाद पिछले 4-5 दिनों से इंक्लूडिंग टूडे, तो यहाँ पे टाइम पास उसको जाना था तो कब का चला जाता, टाइम पास कर रहे थे दैट्स एन अलर्ट। सो ऐसा ना हो कि वापस इस रेंज के अंदर में आ जाए, दैट इज व्हाई अगर नीचे वापस रेंज के अंदर में ऊपर में आ जाता है देन वी विल बी गोइंग फॉर द आवर नेक्स्ट स्ट्रेटेजी, दैट इज फॉल्स ब्रेकडाउन। एंड फॉल्स ब्रेकडाउन में अदर साइड में काफी तेजी से जाता है एंड इन दैट केस वी विल गो फॉर लॉन्ग साइड, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा इंतजार मींस थोड़ा सा केयरफुली वॉच रहना। डॉलर सीएनएच कल एक अच्छा खासा अपमूव दिया था, इट ट्रेडेड हाई ऑफ 7.12, करेंटली एट 7.10। यहाँ पे काफी ऊपर का रूम बाकी है, स्पेशली 7.22 का रेजिस्टेंस लेवल्स। यूएस 10-ईयर ट्रेजरी आपका करेंटली 3.66, ये कल यहाँ पे सपोर्ट लिया था आपका 3.6162 के आसपास सपोर्ट लेके वापस यहाँ पे बेस बनाने का प्रयास कर रहा है। तो इसको अगर नीचे जाना है तो इस लेवल 3.61 के नीचे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, देन एंड ओनली देन एक अच्छा खासा एल्स यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस दोबारा ये रिसेंट स्विंग हाई की तरफ जा सकता है। US 2-ईयर ट्रेजरी में डैमेज जो है थोड़ा सा कम है इन कंपैरिजन टू 10-ईयर। 10-ईयर में एकदम पूरा का पूरा प्रीवियस रेजिस्टेंस में आके सपोर्ट ले रहा है, बस 2 ईयर में प्रीवियस रेजिस्टेंस जो था अभी नाउ एक्सपेक्टेड एज सपोर्ट यहाँ पे आया नहीं, उसके नजदीक भी आया नहीं, काफी दूर में। सो यहाँ पे इसका जो वीकनेस है कंपेरेटिवली कम है, सो अभी हमें इस दोनों को भी इंतजार करना है।
FOMC rate decisions है, एक सेक्शंस मेजोरिटी ऑफ द सेक्शंस आर लुकिंग फॉर क्वार्टर बेसिस पॉइंट रेट हाइक्स, व्हाई इज कल का जो फेड ऑफिशियल्स का जो कमेंट्स है वहां पे दे आर सजेस्टिंग और रिकमेंडिंग फॉर पॉज एंड फर्दर डेटा ऑब्जर्व करने के लिए, देयर आफ्टर नेक्स्ट पॉलिसी पे उसको रिव्यू करने के लिए सजेशन दे रहा है. तो हमें अभी जस्ट थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है. करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतने, आशा करता हूँ प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा. इफ सो लाइक टू कमेंट एंड शेयर इट विद अदर्स. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे.